हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताजा बुलेटिन में। यहां पर लेकर आ गए हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताजा खबरें। तो जी हां, अगर आप हरियाणा से हैं, रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हां, शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा के करनाल में रोड जाम करके बैठे प्रदर्शनकारी, किसानों पर लाठीचार्ज, पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल। बीजेपी की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में करनाल की तरफ जा रहे किसानों ने वहीं एक टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इस घटना में करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। करनाल में लाठीचार्ज पर फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरे किसान, वाहनों की लगी लंबी कतारें। हरियाणा में किसान सड़कों पर हैं, करनाल में किसानों पर वे लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा के अलग अलग जिलों में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। हिसार में किसानों ने कई जगहों पर चक्का जाम किया है, जिसके कारण दिल्ली हिसार रोड पर वाहनों की कतारें लग गई हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा अक्टूबर तक होगा लाल डोरा मुक्त। 6329 गाँवों में मैपिंग का काम पूरा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ सहित हरियाणा में अक्टूबर तक लाल डोरा खत्म करने के लक्ष्य के तहत अभी तक 6329 मैपिंग का काम पूरा हो गया है। इनमें से 5333 गांवों का डाटा प्रोसेस किया जा चुका है। अब वहीं मंगलवार से सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। 6 महीने में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फांसी में दर्ज केस में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह जाँच में हुए शामिल, हाई कोर्ट का मोबाइल फोन सौंपने का आदेश। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ हरियाणा के हांसी में दर्ज मामले को लेकर के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। हांसी पुलिस की ओर से बताया गया है कि युवराज सिंह जांच में शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी अपना मोबाइल फोन नहीं सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन प्रधान चढ़ोनी ले रहे थे मीटिंग, उधर 2 किसान गुटों में चले लट, 5 घायल, 3 रेफर। भारतीय किसान यूनियन भाईचारा गुट के सदस्य नरपत राणा की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी की मीटिंग का विरोध करने के लिए अनाज मंडी शहजादपुर काले झंडे लेकर पहुंचे। वहां 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलनकारियों ने केजीपी केएमपी पर लगाया जाम, वाहनों की लगी लंबी कतारें। किसानों पर करनाल में लाठीचार्ज के विरोध में कुंडली में बैठे आंदोलनकारियों ने केएमपी पर जाम लगा दिया। वाहनों को रोककर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं बहादुरगढ़ की ओर से आने वाले वाहनों को खरखौदा में रोका गया है। हरियाणा में धान की खरीद 25 सितंबर से और बाजरे की 1 अक्टूबर से खरीद होगी। खरीद के लिए बने हरियाणा में 200 केंद्र। हरियाणा में अब धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होगी, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धान 1940 रुपये, बाजरा जबकि 2250 रुपये एमएसपी रेट है, और मक्का का 1870, मूंग 7235 और मूंगफली 5550 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदी जाएगी। धान की खरीद के लिए 200 केंद्र बनाए गए हैं। किसान व खेतीहर मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना लागू की गई है। बता दें कि फतेहाबाद के उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को दिन रात खेत खलियानों में काम करना पड़ता है और उन्हें 24 घंटे कई तरह की दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में अगर परिवार के कमाऊ सदस्य की अकाल मौत हो जाए तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। नवजोत सिद्धू के बयान पर विज का तंज, बोले तो समझो कि अब घर के धराशायी होने में देर नहीं। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आलाकमान की ओर से इसे सुलझाने की कोशिश तो जरूर की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर उन्हें काम करने नहीं दिया गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर तंज कसा है। बड़ी खबर पानीपत जिले से आ रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने समाज सेवी को बनाया निशाना, लाखों की लूट कर हुए फरार। पानीपत के सेक्टर 13-17 में स्ट्रीट लाइटों के ना होने का फायदा बदमाश बेखौफ उठा रहे हैं।
और अंधेरों में राहगीरों को अपना निशाना बनाकर बदमाश फरार हो जाते हैं। ताज़ा मामला बीती देर रात का है, जब अपने रोज़मर्रा के काम खत्म करके घर की तरफ लौट रहे समाज सेवी और व्यवसायी योगेश चावला उर्फ जानी चावला लूट का शिकार हो गए। बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी जिले से। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स व पुलिसकर्मी के बीच झड़प, छात्रा को थप्पड़ मारने का आरोप। मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यानी ICU में सीटें बढ़वाने को लेकर के APVP के बैनर तले चल रहे प्रदर्शन में उस समय हंगामा हो गया जब उनकी पुलिस से झड़प हो गई। स्टूडेंट्स का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने एक छात्र को थप्पड़ मार दिया। विवाद बढ़ने के बाद APVP कार्यकर्ताओं ने DC दफ्तर पर धरना देने की बात कही है। जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। बता दें कि हरियाणा में आज से शुरू हो सकती है वर्षा का दौर। हरियाणा में मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारी को कहना है कि प्रदेश भर में 29 अगस्त के बाद मौसम परिवर्तन होने के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है हरियाणा में तापमान की बात करें न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पश्चिमी हवा चलने से मौसम में नमी कम होगी और शुष्कता बढ़ेगी। इसी बीच मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य के अधिकतर भूभागों में आसमान साफ रहेगा, कुछ स्थानों पर झिटपुट बादल दिखाई दे सकते हैं। मौसम में गर्मी बढ़ेगी। विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 29 अगस्त के बाद से एक बार फिर से प्रदेश भर में हल्की वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। तो जी हाँ, ये थी अपडेट हरियाणा के मौसम समाचार, साथ में मुख्य समाचारों की। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।